राजा मर्तेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की फिल्म है, जिसकी तरीर और हदायतकारी नौथन अफशन ने की है। फिल्म में जो निजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में, राजा मर्तेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण, तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज, देविया एन अदाकारी चरणीजी सरजा दीप्ति सती, सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तरमीम वेंकटेश, यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया, तारीख रहाइश 1 अक्टूबर 2023, वक्त चल रहा है 135 मिनट, मुल्क इंडिया, जुबान कैनडन, फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर में चरणीजी सरजा बतौर राजा, दीप्ति सती बतौर गीता मगा, श्री सरोज लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले, राजा की दादी के तौर पर पैदावार, तरमीम डुबिंग, तरमीम चनेजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी, तरमीम गाने, बैकग्राउंड स्कोर जनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम करने जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार का दर्जा दिया और कहा, अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जज्बात को ख़त्म कर देता है। वाला जब अपने तरमीम करे दरबार सज्जन ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चरणजीवी सरजा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाद जब्त किया गया। दरबार सज्जन ने उन्हें भाई चरणजीवी के राजमार ठंडा को पुकारा 6 अक्टूबर 2023 को बाद जब्त 4 अक्टूबर 2023 उन्हें ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चरणजीवी सरजा की आखिरी अन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाद जब्त किया गया। ब्रिज निर्माता आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन, अर्जुन जानी हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोजर जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआवजे से पाया से कितना दस्तयाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी के पुलिस इस्तेमाल करने की शराब स्टॉक मैन मन फिल्म तलाश कर आर्टिकल डॉक्यूमेंट पीडीएफ डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की शराब तलाश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें। देखें तरमीम चनेजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चनेजी सज्जा पैदा हुआ चनेजी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत, 5 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया, दीगर नाम शहरों में मेघना, साथ में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से व्यवस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार, जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा बॉयज फिल्मों में नजर आए, जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई, जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी, जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थल रियल हॉरर कॉमेडी चंद लेखा एक्शन फिल्म दूसरा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थलर आता शामिल है, जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं, जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेव वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम कर 1 अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मैगना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई, जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को क्षेप योर सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके
सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए से गैर जिम्मेदार दराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सरजा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया, जहां अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सजा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ, मैगना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 ए बी 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। सलांग ए बी कैंडन दक्का निजी सरजा इंतकाल करके दक्कन 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा निजी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया। कैंडन दक्का निजी सरजा का बुलंगोर बेकार वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजयाप्त किया गया। चनविजय रिमक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया कि चनविजय सजा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। चनविजय सजा जितनी तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। निजी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। एनडीवी 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा चनेजी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। जब साना पेश आया उन्होंने 8 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया कि चनेजी सज्जा वापस आ गए। मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनेजी सज्जा की अहलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 20 मई 2013 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। जरूर आई हार्ट रोमांटिक के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। मेरेपन बोर्ड पर चनेजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ 9 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल सारकृष्णा बाजयाप्त किया गया। चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नौथन अफशन ने की है। फिल्म में चनेजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण, तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज, देविया एन अदाकारी चनेजी सज्जा दीप्ति सती, सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तरमीम वेंकटेश, UDV की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहा 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट। मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चनेजी सज्जा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगाश्री सरूर लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजी सज्जा
7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनिया ने कंपोज किए। इस्तकबाले में तरमीम गाने तिनके दिल दमल तरमीम टाइम जो फिल्म के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामे में बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चनजवी सज्जा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चनजवी के राजमार ठंडा को पुकारा 8 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त 4 अक्टूबर 2023 ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चनजवी सज्जा की आखिरी अनस्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजयाप्त किया गया। आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कमतलका में जमीन अर्जुन जाने हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जज़बान फिल्म विकिपीडिया मुआचे सिपाया से कतर दस्याब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने के शेडी स्टॉक मैन मन फिल्म फ्लैश कर आर्टिकल और टॉक पीडीएफ डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की फ्लैश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें। देखें तरमीम चनेजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तल्लुक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चनेजी सज्जा पैदावा चनेजी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत 7 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से वस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बालडोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थ्रिलर रियल हॉरर कॉमेडी चंद्र लेखा एक्शन फिल्म दूसरा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम करें 1 अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाती हिंद शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तौर को कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप योर सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ और रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी रहाइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को गंगापुरा रोड पर वाकया दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें ज्यादा जराय ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022
ए बी 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। लॉन्ग ए बी कैंडर दक्का निजी सरजा इंतकाल करके दक्कन 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा चनिजी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडर दक्का निजी सरजा का बुलंगुर कगार वो 39 साल के थे। दिनेश मिंट 8 जून 2020 को पास जब्त किया गया। रिमक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। किचन निजी सरजा को याद रखना 5 मशहूर फिल्म है जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। किचन निजी सरजा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सरजा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। निजी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजी सरजा से शादी किया। हफ्ते 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चनेजी सरजा की शादी हो गया। एन डी वी 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा चनुजी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया अनमोल रामा 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। चनुजी सज्जा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनुजी सज्जा की एलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 30 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनुजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 2010 20 मई 2013 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 9 जून 2020 को असल किया गया। चेरोटाई हार्ट रिमांटी के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। मेरेपन बोर्ड पर चनिजवी सरजा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ 9 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। शहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नाथन अफशान ने की है। फिल्म में चनिजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चनिजी सज्जा दीप्ति सती सैनमेटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहाइ 6 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क इंडिया जुबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चनिजी सज्जा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोज लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनिजी सज्जा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सज्जा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कंपोज किए। इस्तकबाले में तरमीम करने जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 स्टारों का दर्जा दिया और कहा अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चनिजी सज्जा की राजमार ठंडा देखें देखे। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें
वायु जो निडवी के राजमा ठंडा का पकार अक्टूबर 2023 को अजाब से 4 अक्टूबर 2023 में ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू जो निडवी सज्जा की आखिरी अन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजियाब किया गया। ब्रिज निर्माप आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन अर्जुन जाने हिंदुस्तानी म्यूजिक कम्पोज जरूर सज्जा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जज़बान फिल्म विकिपीडिया मुआचे जी पाया से कितना दस्तयाब जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए राजधारी के पुलिस इस्तेमाल करने की शायद स्टॉक मैन मैन फिल्म फ्लैश कर आर्टिक और टॉक में वीडियो डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की शायद स्टॉक फ्लैश करें चनी जी सज्जा आर्टिक और टॉक में वीडियो डाउनलोड करें देखें तरमीम चनी जी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जो निजवी सज्जा पैदा हुआ जो निजवी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत 5/7/2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। के फिल्म इंडस्ट्री से व्यवस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा से वह सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा भाई फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। इन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थ्रिलर रियल हॉरर कॉमेडी चंद्रलेखा एक्शन फिल्म रुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं जिसके दोनों हिदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटा रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश पर सपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी जायजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब किया गया। लांग AB कैंडन दक्का जो निजी सज्जा इंतकाल करके दक्कन इराडी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा जो निजी सज्जा की मौत सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब किया गया। कैंडन दक्का जो निजी सज्जा का बंगोर कगार वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजाब्त किया गया। जनविजय रिमक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्दा बाजाब्त किया। किचन जी सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार दक्कन रोल
7 जून 2020 को असल शादा बाजार किया गया। चने जी सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल शादा बाजार किया गया। कैंडन अदाकार चने जी सज्जा इंतकाल कर गए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल शादा बाजार किया गया। निजवी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल शादा बाजार किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चिनी सरजा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल शादा बाजार किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चिनी सरजा की शादी हो गया। एनडीवी 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल शादा बाजार किया गया। 7 जून 2020 को असल शादा चिनी सरजा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया अनमोल रामा 8 जून 2020 को असल शादा बाजार किया गया। चिनी सरजा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चिनी सरजा की अहलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 1 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चिनी सरजा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल शादा बाजार जदीद फिल्म में अवार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 20 मई 2010 20 मई 2013 को असल शादा बाजार की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड 11 अक्टूबर 2020 को असल शादा बाजार किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। जेरोड आई हार्ट रिमांटी के लिए रेड 11 अक्टूबर 2020 को असल शादा बाजार किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल शादा बाजार किया गया। मेरेपन बोर्ड पर चिनिजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल शादा बाजार किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज 9 जून 2020 को असल शादा बाजार किया गया। सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल शादा बाजार किया गया। चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नाथन अफशान ने की है। फिल्म में चिरंजीवी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चिरंजीवी सरजा दीप्ति सती सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश UDV की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया तारीख राय 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चिरंजीवी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरूर लोकेश चंगना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चिरंजीवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम कर जिनके दिल दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चिरंजीवी सरजा की राजमार ठंडा देखे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाफ्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चिरंजीवी के राजमार ठंडा को पुकारा। 8 अक्टूबर 2023 को बाजाफ्त 4 अक्टूबर 2023 ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चिरंजीवी सरजा की आखिरी ऑन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजाफ्त किया गया। बृहनिर्वाप्ता खरीद तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कमतलका में जमीन अर्जुन जानिया हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम तो तरीके से हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआचे सिपाया से कहता दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजदारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शराब स्टॉक मैन मन फिल्म तलाश करें आर्टिकल और डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की स्ट्रॉक तलाश करें चिरंजीवी सरजा आर्टिकल टॉक्स वन PDF डाउनलोड करें देखें तरमीम चिरंजीवी सरजा
एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कन्नड़ फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जो निजवी सज्जा पर दावा जो निजवी सज्जा बंगलोर कर्नाटक भारत 5/7/2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया। दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अम्मी जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से खानदान से लग रखते हैं। नाना शक्ति प्रसाद चाचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार जबकि एक और चाचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बालडोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चाचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चाचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कर रियल हॉरर कॉमेडी चंद लेखा एक्शन फिल्म दूसरा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 बजे मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी इजाजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाकई दरवाजे सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें ज्यादा जराय ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। सलांगा AB कैंडन दक्का जो निजी सज्जा इंतकाल करके दक्कन 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा जो निजी सज्जा की मौत सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक तारक हो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया कैंडन दक्का जो निजी सज्जा का बंगोर अगर वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजार किया गया। तनुजी एरिमिक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया। किचन जी सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्म है जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया गया। चनेजी सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। निजवी मेघना राज की मंगनी होगी डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। अदाकारा मेघना राज ने चनेजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार से मेघना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2000
18 जून 2020 का सुल्तान कृष्णा पास जाप्त किया। 7 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा चंद्रजी अजय मेघना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया। उन्होंने 8 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जाप्त किया कि चंद्रजी सज्जा वापस आके मेघना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चंद्रजी सज्जा की अहलिया मेघना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 23 अक्टूबर 2020 कैनेडा चंद्रजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जाप्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी। मई 2010 20 मई 2013 को सुल्तान कृष्णा पास जाप्त की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड। 11 अक्टूबर 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जाप्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया चैरोटाई हार्ट रिमांटी के लिए रेड। 11 अक्टूबर 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जाप्त किया गया डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA। 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्णा पास जाप्त किया गया मेरेपन बोर्ड पर चिन्हजी सज्जा दक्कन हेराल्ड। 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा पास जाप्त किया गया दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी न्यूज़। 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा पास जाप्त किया गया सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना। 16 जुलाई 2013 को असल चार कृष्णा पास जाप्त किया गया शहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द से सराहा जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को सुल्तान कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नाथन अफशान ने की है। फिल्म में चिरंजीवी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चिरंजीवी सर्जा दीप्ति सती सैमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तरमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहाई 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चिरंजीवी सर्जा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मगाश्री सरोद लोकेश चंगना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चिरंजीवी सर्जा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सर्जा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जन जनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम कर जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चिरंजीवी सज्जा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चिरंजीवी के राजमार ठंडा को पुकारा। 8 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त 4 अक्टूबर 2023 में ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चिरंजीवी सज्जा की आखिरी अनस्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजयाप्त किया गया। ब्रिनर वापता आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन अर्जुन जानी हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सर्जा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआवजे सिपाया से कतर दस्तियाब जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए। राजदारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराडी स्टॉक मैन मन फिल्म फ्लैश कर आर्टिकल टॉक वीडियो डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की शराडी स्टॉक फ्लैश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें। देखें तरमीम चिरंजीवी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चिरंजीवी सज्जा पैदावा चिरंजीवी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत। 7 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया। दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान बताई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से वस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह
सभ्यता कहा, जबकि एक और चाचा किशोर सरजा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बार्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चाचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सरजा बॉयज फिल्मों में नजर आए, जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई, जिसकी हिदायतकारी इनके चाचा किशोर सरजा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी, जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका, माफू कल्पिता, थ्रिलर, रियल हॉरर कॉमेडी, चंद्र लेखा, एक्शन फिल्म दूसरा, एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल है, जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेव वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मैगना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई, जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को क्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश पर सपुर्द खाक किया गया, जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी जायजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाकया दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताए। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ, मैगना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। लांग लगा AB कैंडर दक्का जनजी सरजा इंतकाल करके दक्कन इराडी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनजी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडर दक्का जनजी सरजा का बुलंगूर सरकार वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजाब्त किया गया। चनविजय रिमक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया कि चनविजय सज्जा को याद रखना। 5 मशहूर फिल्म है जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। चनविजय सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। निजवी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा चनेजी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। जब साना पेश आया उन्होंने रामा 8 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया कि चनेजी सज्जा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनेजी सज्जा की अहलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 2010 20 मई 2013 को असल सारकृष्णा बाजाब्त गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। चेरो डाई हार्ट रोमांटिक के लिए
रेडफ 11 अक्टूबर 2020 को असल चार्जशीट बाजार किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है। DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल चार्जशीट बाजार किया गया। मेरेपन बोर्ड पर चिन्हवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल चार्जशीट बाजार किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज 9 जून 2020 को असल चार्जशीट बाजार किया गया। सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल चार्जशीट बाजार किया गया। चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल चार्जशीट 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्तंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नौथन अफशन ने की है। फिल्म में चिरंजीवी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्तंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण, तसनीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज, देविया एन अदाकारी चिरंजीवी सज्जा दीप्ति सती, सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तरमीम वेंकटेश, UDV की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहा 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा है 135 मिनट। मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चिरंजीवी सज्जा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोज लोकेश चंगना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चिरंजीवी सज्जा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सज्जा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाल में तरमीम करने जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामे में बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब ने तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चिरंजीवी सज्जा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चिरंजीवी के राजमार ठंडा को पुकारा। 8 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त 4 अक्टूबर 2023 ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चिरंजीवी सज्जा की आखिरी अन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजाब्त किया गया। बुरी निर्वाप्त आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन अर्जुन जानी हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सर्जा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआवजे से पाया से कहता दस्तयाब जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए। राजधारी के पुलिस इस्तेमाल करने की शायद स्टॉक मैन मन फिल्म तलाश करें। आर्टिकल और डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की शायद स्टॉक तलाश करें। चिरंजीवी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन PDF डाउनलोड करें। देखें तरमीम चिरंजीवी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चिरंजीवी सज्जा पैदा हुआ चिरंजीवी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत। 7 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया। दीगर नाम शहरों में मेघना साथ में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम करें। सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से वस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा से सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा बॉयज फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफूक थल रियल हॉरर कॉमेडी चंद्रलेखा एक्शन फिल्म दुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं जिसके दोनों हदायतकार के एम थे।
सज्जा की तीन फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में जाती, जिनकी तमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मैगना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई, जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जयनगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी रहाइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मैगना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बजे AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। सलांग AB कैंडन दक्का निजी सज्जा इंतकाल करके दक्कन 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा निजी सज्जा की मौत सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया। कैंडन दक्का निजी सज्जा का बुलंगूर कगार वो 39 साल के थे। दिनियस मिनट 8 जून 2020 को बाजार किया गया। चनविजय रिमक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया कि चनविजय सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार दक्कन रोल। 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया गया। चनविजय सज्जा जितनी तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। निजवी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनेजी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। जब साना पेश आया उन्होंने रामा 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया कि चनेजी सज्जा वापस आ गए। मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनेजी सज्जा की अहलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी। मई 2010 20 मई 2013 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। जरूर आई हार्ट रोमांटिक के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। मेरे पन बोर्ड पर चनेजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ 9 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किए गए। सिटी गर्म हो गई बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल झार कृष्णा बाजयाप्त किया गया। चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हर 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की
फिल्म है जिसकी तारीफ और हदायतकारी नौथन अफशाना की है। फिल्म में जो निजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में राजा मृतंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण जसनीब करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चरणजी सरजा दीप्ति सती सैमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया तारीख राय 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट मुल्क इंडिया जुबान कैनडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चरणजी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोज लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वारिस राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम कर जिनके दिल दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा में बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चरणजीत सरजा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चरणजीत के राजमार ठंडा को पुकारा 8 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त 4 अक्टूबर 2023 उन्हें ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चरणजीत सरजा की आखिरी अनस्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजयाफ्त किया गया। खरीद तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की मुतलका में जमीन अर्जुन जानिया हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम तरीके से हिंदुस्तानी कैंडन रजबान फिल्म विकिपीडिया मुआचे सिपाया से कहता दस्याब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना खेले राजदारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराडी स्टॉक मैन मैन फिल्म तलाश करें आर्टिकल डॉक्यूमा पीडीएफ डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की स्ट्रॉक तलाश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें देखें तरमीम चनेजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तल्लक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चनेजी सज्जा पैदावा चनेजी सज्जा 87 बंगलोर कर्नाटक भारत 5 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम करें सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से वस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायका माफू कल्पिता थ्रिलर रियल हॉरर कॉमेडी चंद लेखा एक्शन फिल्म दुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर आता गारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम करें 1 अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप योर सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात
एक बज के 10 मिनट के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 बजे मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सरजा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को गंगापुरा रोड पर वाकया दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराय ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताए। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ, मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। लांगल का AB कैंडर दक्कन निजी सरजा इंतकाल करके दक्कन इरानी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनिजी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त के कैंडर दक्कन निजी सरजा का बलंगोर कार वो 39 साल के थे। दिनियस मिनट 8 जून 2020 को बाजार किया गया। चनविजय रिमक रोल दिनियो इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया कि चनविजय सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया गया। चनविजय सज्जा दिनिया तीसरी बार तावन करेंगे। दिनियो इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। दिनियो इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। निजवी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनेजी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। जब साना पेश आया अनमोल रामा 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। चनेजी सज्जा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनेजी सज्जा की अहलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 2010 20 मई 2013 को असल झार कृष्णा बाजाप्त की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। जरूर आई हार्ट रिमांटी के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। मेरेपन बोर्ड पर चनेजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ 9 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। सिटी गर्म हो गई बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल झार कृष्णा बाजाप्त किया गया। शहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द ही सराहा जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नौथन अफशन ने की है। फिल्म में चनेजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चनेजी सज्जा दीप्ति सती सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तरमीम वेंकटेश UDV की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया तारीख रहाइ 6 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर में चनेजी सज्जा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मगा श्री सरोज लोकेश चंगना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजी सज्जा
7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कंपोज किए। इस्तकबाले में तरमीम गाने तिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। वाला जब तमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चंडीजी सज्जा की राजमार ठंडा देखे जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चंडीजी के राजमार ठंडा को पुकारा 8 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त 4 अक्टूबर 2023 ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चंडीजी सज्जा की आखिरी ऑन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजाब्त किया गया। आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन अर्जुन जाने हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सर्जा भारतीय अदाकार रानम तो तरीके से हिंदुस्तानी कैंडन रजबान फिल्म विकिपीडिया मुआचे से पाया से कहता दस्याब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शायद स्टॉक मैन मन फिल्म स्लैश कर आर्टिक और टॉक पीडीएफ डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की शायद स्टॉक स्लैश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें देखें। तरमीम चंडीजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चंडीजी सज्जा पैदा हुआ चंडीजी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत पास 7 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना साथ में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से व्यवस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बॉर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा बॉयज फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थल रियल हॉरर कॉमेडी चंद्र लेखा एक्शन फिल्म रुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम करें 1 अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटा रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश पर सपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी जायजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करे ज्यादा जराया ने चंडीजी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चंडीजी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022
ए बी 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। लांगलोंग ए बी कैंडन तक्का निजी सज्जा इंतकाल करके दक्कन इराडी 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा से निजी सज्जा की मौत। सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन तक्का निजी सज्जा का बुलंगुर कगार वो 39 साल के थे। दिनियस मिंट 8 जून 2020 को पास जब्त किया गया। विजय एरी मैक्रोल द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। किचन रिजवी सज्जा को याद रखना। 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रॉयल 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। चने जी सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार चने जी सज्जा इंतकाल कर गए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। निजवी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने श्रीनिजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकारा से मैगना राज श्रीनिजी सज्जा की शादी हो गया। एन डी वी 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा श्रीनिजी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया अनुमान रामा 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। श्रीनिजी सज्जा वापस आ गए। मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया श्रीनिजी सज्जा की एलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार श्रीनिजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 20 मई 2010 20 मई 2013 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 9 जून 2020 को असल किया गया। जरूर आई हार्ट रोमांटिक के लिए रेड 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। मेरेपन बोर्ड पर निजी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज 9 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। सिटी गर्म होगी। बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नौथन अफशन ने की है। फिल्म में जो निजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चरणजी सरजा दीप्ति सती सैमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहा 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चरणजी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोज लोकेश चंगना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम कर जिनके दिल दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वह अपने अनजानी भाई चनिजवी सज्जा की राजमार ठंडा देखे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें
वायुजी निडवी के राजमार ठंडा का पकार अक्टूबर 2023 को अजाब से 4 अक्टूबर 2023 ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू से निडवी सज्जा की आखिरी अनस्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजियाब किया गया। ब्रिटिश निर्माता खरीद तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कमतलका में जमीन अर्जन जाने हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सर्जा भारतीय अदाकार रानम तो तरीके से हिंदुस्तानी कैंडन जजबान फिल्म विकिपीडिया मुआचे सिपाया से कहता दस्याब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शायदी स्टॉक मैन मन फिल्म फ्लैश कर आर्टिकल और डॉक्यूमेंट वीडियो डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की स्ट्रेटजी फ्लैश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें देखें तरमीम चनेजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करीब में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चनेजी सज्जा पैदावा चनेजी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत 5/7/2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। के फिल्म इंडस्ट्री से वस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बालडोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थल रियल हॉरर कॉमेडी चंद लेखा एक्शन फिल्म दुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मैगना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाती हैं। शादी की तकरीब हुई इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जयनगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी इजाजियत के लिए तशरीफ लाइन की। आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाकई दरवाजे सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें ज्यादा जराय ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मैगना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। सलांग AB कैंडन दक्का चनेजवी सज्जा इंतकाल करके दक्कन इरानी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनेजवी सज्जा की मौत सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया कैंडन दक्का चनेजवी सज्जा का बुलंगूर कगार वो 39 साल के थे। दिनियस मिनट 8 जून 2020 को बाजार किया गया। चनेजवी रिमेक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया कि चनेजवी सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्म है जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार दक्कन रॉयल
7 जून 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। चुने जी सज्जाद जितने तीसरी बार ताउन करेंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। 11 अक्टूबर 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। कैंडन अदाकार चुने जी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। निजी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। अदाकारा मैगना राज ने श्रीनिधि सरजा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। कैंडन अदाकारा से मैगना राज श्रीनिधि सरजा की शादी हो गया। एनडीवी 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। 7 जून 2020 को असल से आपकी शताब श्रीनिधि सरजा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया उन्होंने रामा। 8 जून 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। श्रीनिधि सरजा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया श्रीनिधि सरजा की अहलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकारा श्रीनिधि सरजा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल से आपकी शताब आजाद। जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मबनी मई 2010 20 मई 2013 को असल से आपकी शताब आजाद की। गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। चैरिट आई हार्ट रिमांटी के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल से आपकी शताब आजाद किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल चार की शताब आजाद किया गया। मेरे पन बोर्ड पर चिनिजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल चार की शताब आजाद किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ 9 जून 2020 को असल चार की शताब आजाद किए गए। सिटी गर्म हो गई। बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल चार की शताब आजाद किया गया। शहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्ण 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नाथन अफशान ने की है। फिल्म में जो निजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चरणीजी सरजा दीप्ति सती सैमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहाई 6 अक्टूबर 2023 वक्त चल रहा है 135 मिनट मुल्क इंडिया जुबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चरणीजी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोद लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले संत राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जन जनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम कर जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 स्तर का दर्जा दिया और कहा अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चनेजवी सरजा की राजमार ठंडा देखें देखे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाब्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चनेजवी के राजमार ठंडा को पुकारा। 6 अक्टूबर 2023 बाजाब्त 4 अक्टूबर 2023 उन्हें ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चनेजवी सरजा की आखिरी ऑन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजाब्त किया गया। ब्रिनर वापता खरीद तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन अर्जुन जाने हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआवजे से पाया से कि दस्तयाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजदारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शरारती स्टॉक मैन मैन फिल्म तलाश कर आर्टिकल डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की शरारती स्टॉक तलाश करें चने जी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन PDF डाउनलोड करें। देखें तरमीम चनेजवी सज्जा
एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कन्नड़ फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सरजा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया। चिरंजीवी सरजा पर दावा, चिरंजीवी सरजा 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत, फास्ट आज 2020 उम्र 35 साल, बंगलोर कर्नाटक इंडिया। दीगर नाम शहरों में मेघना, राज में बच्चे, रिश्तेदार, सरजा खानदान, टाई जिंदगी, खानदान जिंदगी, तरमीम कर, सरजा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से खानदान से लग रखते हैं। नाना शक्ति प्रसाद, चाचा छोटे भाई ध्रुवा सरजा सुबह से भी अदाकार, जबकि एक और चाचा किशोर सरजा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चाचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सरजा 22 फिल्मों में नजर आए, जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई, जिसकी हिदायतकारी इनके चाचा किशोर सरजा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी, जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका, माफू कल्पिता, थ्रिलर, रियल हॉरर कॉमेडी, चंद्रलेखा, एक्शन फिल्म रुद्रा, एक्शन फिल्म सरजा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल है, जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं, जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई, जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को क्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात एक बार के 10 मिनट के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 बजे मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सरजा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश पर स्पुर्द खाक किया गया, जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी जायजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताए। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। लांगलग AB कैंडन दक्का निजी सरजा इंतकाल करके दक्कन एरानी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा निजी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन दक्का निजी सरजा का बंगूर कगार वो 39 साल के थे। दिन मिनट 8 जून 2020 को बाजार किया गया। चनविजय रिमक रोल दिन इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया कि चनविजय सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया गया। चनविजय सज्जा जितने 3री बार तावन करेंगे। दिन इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा बाजाप्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा बाजाप्त किया गया। निजी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा बाजाप्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजी सज्जा से शादी किया। हफ्ते 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा बाजाप्त किया गया। कैंडन अदाकार से मेघना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2000
18 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जब्त किया। 18 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा चंद्रजीत अजय मेघना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया उन्होंने रामा। 8 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जब्त किया कि चंद्रजीत सज्जा वापस आके मेघना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चंद्रजीत सज्जा की अहलिया मेघना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस के 1 अक्टूबर 2020 का चंद्रजीत सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू। 8 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जब्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी। 20 मई 2010 20 मई 2013 को सुल्तान कृष्णा पास जब्त गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ। 11 अक्टूबर 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जब्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया चेरोटाई हार्ट रिमोंटी के लिए रेड ऑफ। 11 अक्टूबर 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जब्त किया गया डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA। 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्ण पास जब्त किया गया मेरेपन बोर्ड पर चिन्हजी सज्जा दक्कन हेराल्ड। 9 जून 2020 को असल चार कृष्ण पास जब्त किया गया दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी न्यूज़। 9 जून 2020 को असल चार कृष्ण पास जब्त किया गया सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना। 16 जुलाई 2013 को असल चार कृष्ण पास जब्त किया गया चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नाथन अफशान ने की है। फिल्म में चरणजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चरणजी सरजा दीप्ति सती सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहाइश 1 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चरणजी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोज लोकेश चंगना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम करने जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चंद्रजी सज्जा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाद जब्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चंद्रजी के राजमार ठंडा को पुकारा। 8 अक्टूबर 2023 को जब्त 4 अक्टूबर 2023 में ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चंद्रजी सज्जा की आखिरी अन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाद जब्त किया गया। ब्रिज निर्वाप्त आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन। अर्जुन जानी हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोजर सरजा भारतीय अदाकार रानम तो तरीके से हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआचे सिपाया से कहता दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजदारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शायद स्टॉक मैन मन फिल्म तलाश करें आर्टिकल और डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की शायद स्टॉक तलाश करें चंद्रजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन PDF डाउनलोड करें। देखें तरमीम चंद्रजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चंद्रजी सज्जा पैदावा चंद्रजी सज्जा 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत 7 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान बताई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम करें। सज्जा अम्मी जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था वो जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह
सभ्यता कहा, जबकि एक और चाचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चाचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा बॉयज फिल्मों में नजर आए, जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई, जिसकी हिदायतकारी इनके चाचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी, जिनमें एक्शन फिल्म वारदायका माफू कल्पिता थल रियल हॉर कॉमेडी चंद लेखा एक्शन फिल्म दूसरा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थलर अदाकारा शामिल है, जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मैगना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई, जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ, मैगना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। सलांग AB कैंडन दक्का चनेजवी सज्जा इंतकाल करके दक्कन इराडी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनेजवी सज्जा की मौत सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। कैंडन दक्का चनेजवी सज्जा का बंगलोर कार वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजार किया गया। चनविजय रिमक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया। किचन जी सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजार किया गया। चनेजी सज्जा जितनी तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजवी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। निजवी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजवी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चनेजवी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनेजवी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। जब साना पेश आया उन्होंने रामा 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया कि चनेजवी सज्जा वापस आ गए। मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनेजवी सज्जा की अहलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनेजवी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी। मई 2010 20 मई 2013 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। चेरो डाई हार्ट रोमांटिक के लिए
रेडफ 11 अक्टूबर 2020 को संसार कृष्णा बाजार किया गया डैंडम बिल्कुल नहीं है। डीएनए 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्णा बाजार के गए मेरे पन बोर्ड पर चिनिजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी न्यूज़। 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा बाजार के गए सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना। 16 जुलाई 2013 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नाथन अफशान ने की है। फिल्म में जो निजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चरणजी सरजा दीप्ति सती सैमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया तारीख राय 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चरणजी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोज लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनिजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम कर जिनके दिल दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चनिजवी सज्जा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजाफ्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चनिजवी के राजमार ठंडा को पुकारा। 2023 को बाजाफ्त 4 अक्टूबर 2023 उन्हें ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चनिजवी सज्जा की आखिरी ऑन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजाफ्त किया गया। खरीद तरमीम 9 दिन पहले के जरिए कम तलका में जमीन अर्जुन जानी हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआवजे सिपाही से कतर दस्तियाब जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए राजदारी पुलिस इस्तेमाल करने की शायद स्टॉक मैन मन फिल्म तलाश करें आर्टिकल डॉक्यूमा पीडीएफ डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की स्ट्रेटॉक तलाश करें चनिजवी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें देखें। तरमीम चनिजवी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चनिजवी सज्जा पैदावा चनिजवी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत 5 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना साथ में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम करें सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से वस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह से भी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थ्रिलर रियल हॉरर कॉमेडी चंद लेखा एक्शन फिल्म दुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे।
सज्जा की तीन फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं और जाती जिनकी तमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मैगना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई, जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश पर सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाकया दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मैगना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। लांगल का AB कैंडर दक्कन निजी सज्जा इंतकाल करके दक्कन इरानी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा निजी सज्जा की मौत सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडर दक्कन निजी सज्जा का बुलंगूर बेकार वो 39 साल के थे। द न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजाब्त किया गया। एरिमक रोल द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया। किचन एजवी सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। चनेजी सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। निजी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने चनेजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा चनेजी सज्जा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। जब साना पेश आया उन्होंने ड्रामा 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया। चनेजी सज्जा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनेजी सज्जा की एलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया। जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 20 मई 2013 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया। गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। 9 जून 2020 को असल किया गया। चेरू राय हार्ट रिमांटी के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। मेरे पन बोर्ड पर चनेजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज 9 जून 2020 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। सिटी गर्म हो गई बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल झार कृष्णा पास जब्त किया गया। शहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की
फिल्म है जिसकी तारीफ और हदायतकारी नौथन अफशाना की है। फिल्म में जनजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में, राजा मिर्तंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण, तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार, शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी, चरणजी सरजा दीप्ति सती सैनमाटोग्राफी, भूषण एन की तरफ से तरमीम, वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी, अर्जुन जानिया, तारीख रहाइश 1 अक्टूबर 2023, वक्त चल रहा है 135 मिनट, मुल्क इंडिया, जुबान कैनडन, फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चरणजी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मगा श्री सरोर लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम करने जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। वाला जब अपने तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चनजी सज्जा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाद जब्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चनजी के राजमार ठंडा को पुकारा 8 अक्टूबर 2023 को जब्त 4 अक्टूबर 2023 उन्हें ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चनजी सज्जा की आखिरी अन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाद जब्त किया गया। ब्रिज निर्वाप्त आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन अर्जुन जानी हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन रजबान फिल्म विकिपीडिया मुआवजे से पाया से कितना दस्तयाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शराब स्टॉक मैन मन फिल्म तलाश कर आर्टिकल डॉक्यूमेंट वीडियो डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की शराब तलाश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें। देखें तरमीम चनजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैनडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चनजी सज्जा पैदा हुआ चनजी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत, 5 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया, दीगर नाम शहरों में मेघना साथ में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से व्यवस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा बॉयज फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायका माफू कलपिता थ्रिलर रियल हॉरर कॉमेडी चंद्रलेखा एक्शन फिल्म रुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकार शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेव वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम करें 1 अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मैगना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटा रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात
एक बल के 10 मिनट के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 बजे मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सरजा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया, जहां अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सरजा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें, ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सजा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ, मेघना राज ने याद किया। इंडिया टुडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बजे एबी 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। सलांग एबी कैंडन तकार चनेजवी सरजा इंतकाल करके दक्कन एरंडी 8 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झारकृष्ण चनेजवी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। कैंडन तकार चनेजवी सरजा का बुलंगोर कार वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजयाप्त किया गया। चनेजवी रिमेक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया कि चनेजवी सरजा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। चनेजवी सरजा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजवी सरजा इंतकाल कर गए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। चनेजवी मेघना राज की मंगनी होगी। डकन क्रॉनिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। अदाकारा मेघना राज ने चनेजवी सरजा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। कैंडन अदाकार से मेघना राज चनेजवी सरजा की शादी हो गया। एनडीवी 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झारकृष्ण चनेजवी सरजा मेघना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। जब साना पेश आया उन्होंने 8 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया कि चनेजवी सरजा वापस आके मेघना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनेजवी सरजा की अहलिया मेघना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनेजवी सरजा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त जदीद फिल्म में वार्ड स्टारों से जुड़े स्टारों पर मुबनि 2010 20 मई 2013 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। जरूर आई हार्ट रोमांटिक के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। मेरेपन बोर्ड पर चनेजवी सरजा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ 9 जून 2020 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल झारकृष्ण बाजयाप्त किया गया। चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल झारकृष्ण 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है, जिसकी तरीर और हदायतकारी नौथन अफशान ने की है। फिल्म में चनेजवी सरजा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण, तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन, अदाकारी चनेजवी सरजा दीप्ति सती, सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तरमीम वेंकटेश, UDV की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहा 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट। मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चनेजवी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगाश्री सरूर लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनेजवी सरजा
7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कंपोज किए। इस्तकबाले में तरमीम गाने जिनके दिल दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामे में बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चनजवी सज्जा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चनजवी के राजमार ठंडा को पुकारा 8 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त 4 अक्टूबर 2023 ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चनजवी सज्जा की आखिरी अनस्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजयाप्त किया गया। आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कमतलका में जमीन अर्जन जाने हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोज जरूर सरजा भारतीय अदाकार रानम तरीके से हिंदुस्तानी कैंडन रजबान फिल्म विकिपीडिया मुआचे सिपाया से कहता दस्याब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शराडी स्टॉक मैन मन फिल्म फ्लैश कर आर्टिकल टॉक पीडीएफ डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की फ्लैश करें चनेजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड करें देखें तरमीम चनजवी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तल्लुक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चनजवी सज्जा पैदावा चनजवी सज्जा 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत 5 जून 2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। जनपी के फिल्म इंडस्ट्री से वस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सभा सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बालडोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थ्रिलर रियल हॉरर कॉमेडी चंद्र लेखा एक्शन फिल्म दुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम करें 1 अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाती हिंद शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जा इनकी मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप योर सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ और रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी रहाइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी तजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को गंगापुरा रोड पर वाकया दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें ज्यादा जराय ने चनजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022
ए बी 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। लॉन्ग ए बी कैंडल दक्का निजी सरजा इंतकाल करके दक्कन 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा चनिजी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडल दक्का निजी सरजा का बुलंगुर कगार वो 39 साल के थे। दिनेश मिंट 8 जून 2020 को पास जब्त किया गया। रिमिक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। किचन निजी सरजा को याद रखना 5 मशहूर फिल्म है जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार। दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। चने जी सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकार चने जी सज्जा इंतकाल कर गए दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। निजी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। अदाकारा मैगना राज ने श्रीनिधि सरजा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। कैंडन अदाकारा से मैगना राज श्रीनिधि सरजा की शादी हो गया। एनडीवी 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल सार कृष्णा श्रीनिधि सरजा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया अनमोल रामा 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। श्रीनिधि सरजा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया श्रीनिधि सरजा की एलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 23 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार श्रीनिधि सरजा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी 2010 20 मई 2013 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया। गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। 9 जून 2020 को असल किया गया। चेरोटाई हार्ट रिमांटी के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। मेरेपन बोर्ड पर निजी सरजा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज़ 9 जून 2020 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल सार कृष्णा पास जब्त किया गया। शहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल सार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नाथन अफशान ने की है। फिल्म में जो निजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चरणिजी सरजा दीप्ति सती सैमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तरमीम वेंकटेश यू डी वी की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहा 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चरणिजी सरजा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मेगा श्री सरोज लोकेश चंदना देवराज बतौर राजा के वाले राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनिजवी सरजा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सरजा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम करने जिनके दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 स्टारों का दर्जा दिया और कहा अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्स को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजानी भाई चनिजवी सरजा की राजमार ठंडा देखे न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाप्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें
वायु जो निडवी के राजमा ठंडा का पकार अक्टूबर 2023 को अजाब से 4 अक्टूबर 2023 में ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू जो निडवी सज्जा की आखिरी अन स्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजियाब किया गया। गृह निर्माप आखिरी तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कम तलका में जमीन अर्जुन जाने हिंदुस्तानी म्यूजिक कम्पोज जरूर सज्जा भारतीय अदाकार रानम 2021 हिंदुस्तानी कैंडन जज़बान फिल्म विकिपीडिया मुआचे से पाया से कितना दस्तयाब जब तक के दूसरे सूर में नोट ना किया जाए राजधारी के पुलिस इस्तेमाल करने की शर्ट स्टॉक मैन मन फिल्म फ्लैश कर आर्टिक और टॉक में वीडियो डाउनलोड करें प्राइवेसी पॉलिसी की शर्ट स्टॉक फ्लैश करें चनेजी सज्जा आर्टिक और टॉक में वीडियो डाउनलोड करें देखें तरमीम चनेजी सज्जा एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कैंडन फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सज्जा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जो निजवी सज्जा पैदावा जो निजवी सज्जा 17 अक्टूबर 1986 बंगलोर कर्नाटक भारत 5/7/2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सज्जा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सज्जा अमित जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। के फिल्म इंडस्ट्री से व्यवस्था लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चाचा छोटे भाई ध्रुवा सज्जा सुबह सभी अदाकार जबकि एक और चाचा किशोर सज्जा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बर्डोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चाचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सज्जा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चाचा किशोर सज्जा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए एक तरह फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कल्पिता थ्रिलर रियल हॉरर कॉमेडी चंद्र लेखा एक्शन फिल्म रुद्रा एक्शन फिल्म सज्जा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म नहीं जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाई थी। इन शादी की तकरीब हुई। इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस फूलने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जी नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सज्जा की लाश को बासा गोडी में इनकी रहाइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी जायजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें ज्यादा जराया ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताए। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब किया गया। सलांग लगा AB कैंडन तकार जो निजी सज्जा इंतकार करके दक्कन इरानी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा जो निजी सज्जा की मौत सैंडलवुड के नामूर सज्जा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजियाब किया गया। कैंडन तकार जो निजी सज्जा का बंगोर कगार वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजार किया गया। जनविजय रिमिक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्दा बाजार किया कि चनिजी सज्जा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार दक्कन रॉल
7 जून 2020 को असल साहब की सुधा बाजार किया गया। चने जी सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल साहब की सुधा बाजार किया गया। कैंडन अदाकार चने जी सज्जा इंतकाल कर गए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल साहब की सुधा बाजार किया गया। निजवी मैगना राज की मंगनी होगी। डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल साहब की सुधा बाजार किया गया। अदाकारा मैगना राज ने श्रीनिधि सरजा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल शादीशुदा बाजार किया गया। कैंडन अदाकार से मैगना राज श्रीनिधि सरजा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2018 7 जून 2020 को असल शादीशुदा बाजार किया गया। 7 जून 2020 को असल शादीशुदा श्रीनिधि सरजा मैगना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया उन्होंने रामा। 8 जून 2020 को असल शादीशुदा बाजार किया गया। चनुजी सरजा वापस आके मैगना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया चनुजी सरजा की एलिया मैगना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2020 कैंडन अदाकार चनुजी सरजा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को असल साहब कृष्णा बाजार जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबने। मई 2010 20 मई 2013 को असल साहब कृष्णा बाजार की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल साहब कृष्णा बाजार किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया। जेरोड आई हार्ट रिमांटी के लिए रेड ऑफ 11 अक्टूबर 2020 को असल साहब कृष्णा बाजार किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। मेरे पन बोर्ड पर चिनिजवी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी। न्यूज 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना 16 जुलाई 2013 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। चेहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्णा 9 जून 2020 को हासिल किया गया। राजा मर्थेंडा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जबान की फिल्म है जिसकी तरीर और हदायतकारी नौथन अफशन ने की है। फिल्म में चनुजी सज्जा दीप्ति सती मरकजी किरदारों में। राजा मर्थेंडा की तरफ से हदायत के राम नारायण तस्नीफ करदा के राम नारायण की तरफ से तैयार शिव कुमार नागराज देविया एन अदाकारी चनुजी सज्जा दीप्ति सती सिनेमाटोग्राफी भूषण एन की तरफ से तमीम वेंकटेश UDV की तरफ से मौसीकी अर्जुन जानिया। तारीख रहा 6 अक्टूबर 2023 वक़्त चल रहा 135 मिनट मुल्क इंडिया जबान कैंडन फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। कॉस्टर मेन चनुजी सज्जा बतौर राजा दीप्ति सती बतौर गीता मगा श्री सरोज लोकेश चंगना देवराज बतौर राजा के वाले संत राजा की दादी के तौर पर पैदावार तरमीम डुबिंग तरमीम चनुजी सज्जा 7 जून 2022 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी मौत से कबल फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली थी और इनके छोटे भाई दरो सज्जा ने अपने भाई के लिए डुबकी मौसीकी तरमीम गाने बैकग्राउंड स्कोर जनजनिया ने कम्पोज किए। इस्तकबाले में तरमीम करने जिनके दिल दमल तरमीम टाइम दुनिया के एक नकार ने फिल्म को 5 में से 2 सितारों का दर्जा दिया और कहा अगरचे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिस ऑर्डर का पेश खेमा दिलचस्प लगता है लेकिन हकीकत यह है कि एक और बाकायदा इंतकामी ड्रामा बदल जाता है जो शायकीन के जस्टिस को ख़त्म कर देता है। हवाला जब तरमीम करे दरबार सज्जा ने मदाहों से कहा कि वो अपने अनजाने भाई चनुजी सज्जा की राजमार ठंडा देखे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त किया गया। दरबार सज्जा ने उन्हें भाई चनुजी के राजमार ठंडा को पुकारा। 6 अक्टूबर 2023 को बाजयाफ्त 4 अक्टूबर 2023 उन्हें ठंडा मूवी रिव्यू राजकुमार ठंडा रिव्यू चनुजी सज्जा की आखिरी अनस्क्रीन राउटिंग से एक इंतकामी ड्राम टाइम्स ऑफ इंडिया को बाजयाफ्त किया गया। बृहनिर्वापता खरीद तरमीम 9 दिन पहले के जरिए की कमतलका में जमीन अर्जुन जानिया हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोजर सरजा भारतीय अदाकार रानम तो तरीके से हिंदुस्तानी कैंडन जबान फिल्म विकिपीडिया मुआचे सिपाया से कहता दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस इस्तेमाल करने की शराब स्टॉक मैन मन फिल्म तलाश कर आर्टिकल और डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड करें। प्राइवेसी पॉलिसी की शराब तलाश करें। चनुजी सज्जा आर्टिकल टॉक्स वन PDF डाउनलोड करें। देखें तरमीम चनुजी सज्जा
एक हिंदुस्तानी अदाकार थे जो कन्नड़ फिल्मों में नजर आए। अदाकारों के खानदान से तलक रखने वाले सरजा ने 11 साल के करियर में 20 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जो निजवी सरजा पर दावा जो निजवी सरजा बंगलोर कर्नाटक भारत 5/7/2020 उम्र 35 साल बंगलोर कर्नाटक इंडिया दीगर नाम शहरों में मेघना राज में बच्चे रिश्तेदार सरजा खानदान टाई जिंदगी खानदान जिंदगी तरमीम कर सरजा अम्मी जी और विजय कुमार के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुआ था। वो के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से खानदान से लग रखते हैं कि नाना शक्ति प्रसाद चचा छोटे भाई ध्रुवा सरजा से वह सभी अदाकार जबकि एक और चचा किशोर सरजा डायरेक्टर थे। इसने विजय कॉलेज बंगलोर से ग्रेजुएशन करने से पहले बालडोन बॉयज स्कूल से अपने स्कूल की तरमीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने चचा अर्जुन के साथ तकरीबन 4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। करियर सरजा 22 फिल्मों में नजर आए जिसकी शुरुआत 2009 की फिल्म वाई पुत्रा से हुई जिसकी हिदायतकारी इनके चचा किशोर सरजा ने की थी। उन्हें बेहतरीन डेब्यू के लिए इख्तराई फिल्म का अवार्ड मिलन की मुतद्दिद फिल्में दिगर जमानों की फिल्मों के रिमेक थी जिनमें एक्शन फिल्म वारदायिका माफू कर पिक्चर थ्रिल रियल हॉरर कॉमेडी चंद लेखा एक्शन फिल्म दूसरा एक्शन फिल्म सरजा की दिगर काबिल जिक्र फिल्मों में पुरस्कार थ्रिलर अदाकारा शामिल है जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताब हॉरर फिल्म ने जिसके दोनों हदायतकार के एम थे। सज्जा की 3 फिल्में 2020 में रिलीज हुई। शेयर वर्जन अपनी मौत से पहले इनकी आखिरी जहूर साबित हुआ। इनके पास 5 फिल्में हैं जो प्रोडक्शन के मुख्तलिफ मराल में हैं। जाती जिनकी तरमीम कर अक्टूबर 2017 में इसकी मंगनी अदाकारा मेघना राज से हुई। इनकी शादी 30 अप्रैल 2018 को एक साल तकरीब में हुई जिसके बाद 2 मई 2018 को प्ले ग्राउंड में करवाती हैं। शादी की तकरीब हुई इनकी मौत के वक्त वो अपने पहले बच्चे के तो कर रहे थे। इनके बेटे रायान राज सज्जन की मौत के 4 माह बाद 22 अक्टूबर 2020 को पैदा हुआ था। 6 जून 2020 को सज्जा को अक्षेप और सांस खोने की शिकायत हुई। अगले दिन इसके सीने में दर्द हुआ। रात 1:10 के करीब गिर गए। इसे गैर जिम्मेदार दाराना हालत में जयनगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसे 3:43 मुर्दा करार दे दिया। दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताते हैं। सरजा की लाश को बासा गोडी में इनकी राइश गाह पर सुपुर्द खाक किया गया जहाँ अदाकार सियासतदान मदाह इनकी इजाजियत के लिए तशरीफ लाए। इनकी आखिरी रसूमात 8 जून को कंगापुरा रोड पर वाक़ दरवाजा सज्जा के फार्म हाउस पर अदा की गई। फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें ज्यादा जराय ने चनेजवी की मौत के वक्त इनकी उम्र 39 साल बताई। हवाला जात में तरमीम कर चनेजवी सज्जा के साथ इसके आखिरी दिन क्या हुआ मेघना राज ने याद किया। इंडिया टूडे 6 जून 2021 बाजार 9 जनवरी 2022 बाजें AB 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाब्त किया गया। सलांगा AB कैंडन दकार जो निजी सरजा इंतकाल करके दक्कन इरानी 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाब्त किया गया। 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा जो निजी सरजा की मौत सैंडलवुड के नामूर सरजा खानदान ने एक सितारा खो दिया। 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाब्त किया गया। कैंडन दकार जो निजी सरजा का बंगोर कगार वो 39 साल के थे। दी न्यूज मिनट 8 जून 2020 को बाजाब्त किया गया। तनुजी एरिमिक रोल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया। किचन जी सजा को याद रखना 5 मशहूर फिल्में जो साबित करती है कि वह एक ठोस अदाकार दक्कन रोल 7 जून 2020 को असल सारकृष्णा बाजाब्त किया गया। चनेजी सज्जा जितने तीसरी बार तावन करेंगे। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाब्त किया गया। कैंडन अदाकार चनेजी सज्जा इंतकाल कर गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस 8 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाब्त किया गया। निजवी मेघना राज की मंगनी होगी डकन रानिकल 11 अक्टूबर 2020 को असल झार कृष्णा बाजाब्त किया गया। अदाकारा मेघना राज ने चनेजी सज्जा से शादी की। हफ्ते 7 जून 2020 को असल झार कृष्णा बाजाब्त किया गया। कैंडन अदाकार से मेघना राज चनेजी सज्जा की शादी हो गया। NDV 3 मई 2020
18 7 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जाप्त किया कि 7 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा चंद्रजी अजय मेघना राज बेसब्री से अपने खानदान में शामिल होने का इंतजार करते थे। देवसाना पेश आया उन्होंने 8 जून 2020 को सुल्तान कृष्णा पास जाप्त किया कि चंद्रजी सज्जा वापस आके मेघना राज ने एक बच्चे को जन्म दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया चंद्रजी सज्जा की अहलिया मेघना राज ने हफ्ते को जन्म दिया बच्चे को जन्म दिया। इंडियन एक्सप्रेस 23 अक्टूबर 2020 कैनेडा चंद्रजी सज्जा 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदू 8 जून 2020 को सुल्तान जदीद फिल्म में वार्ड स्टार से जुड़े स्टारों पर मुबनी। मई 2010 20 मई 2013 को सुल्तान कृष्णाबाजार की गाने सिर्फ बहादुर दिलों के लिए रेड 11 अक्टूबर 2020 को सुल्तान कृष्णाबाजार किया गया। 9 जून 2020 को हासिल किया गया चेरोटाई हार्ट रिमांटे के लिए रेड 11 अक्टूबर 2020 को सुल्तान कृष्णाबाजार किया गया। डैंडम बिल्कुल नहीं है DNA 11 अक्टूबर 2020 को असल चार कृष्णा बाजार के गए। मेरे पन बोर्ड पर चिन्हजी सज्जा दक्कन हेराल्ड 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। दीप की वार्निंग में 23 नवंबर को रिलीज होगी न्यूज़। 9 जून 2020 को असल चार कृष्णा बाजार के गए सिटी गर्म होगी बंगलोर आईना। 16 जुलाई 2013 को असल चार कृष्णा बाजार किया गया। शहरों को लगता है कि इसकी तमाम मेहनत को जल्द सिराया जाएगा। दक्कन हेराल्ड 11 अक्टूबर 2020 को श्री कृष्ण 9 जून 2020 को हासिल किया गया।